थ्रो करना है बैक टू साथ में उसको ऊपर। नमस्कार, आज हम आपको बताएंगे दस्ती खींच के धोबी, दस्ती खींच के टेक डाउन, दस्ती खींच के थ्रो, ये बताएंगे हम आपको ग्रीको की वेरिएशन। ठीक है, ग्रीको में है हाई स्टांस, हाई स्टांस से ज़्यादातर लड़े हैं ग्रीको में, पैर आगे हुए हैं, फ्री स्टाइल में पैर पीछे हुए हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम ये है दस्ती खींच ग्रीको की कुछ भी चल रही थी, हम यहाँ से दस्ती खींच रहे हैं, वहाँ से आगे टेक डाउन आगे। ठीक है, और साथ में हम बारंदाज भी कर सकें। इसमें क्या है, रिस्ट होल्ड लेना है, दूसरा हाथ बाजू पे और साथ में दोनों हाथों तक अपर बॉडी पे। ठीक है, ये टर्न मारना है, पुल करना है इसको, ये भी साथ साथ में। अब पूरा कंट्रोल रखो उसने, ठीक है, ताकि निकलने की कोशिश करो, निकलने की कोशिश करो, वहाँ से टेक डाउन और साथ साथ में बारंदा रोल। ये तो हो गया दस्ती खींच कर टेक डाउन विद रोल। हमारे श्री पवन पुत्र व्यायामशाला दौलताबाद के तीन पहलवान अंडर 17 में एशिया चैंपियनशिप की ट्रायल देंगे। सृष्टि है 65 किलोग्राम में ये अपनी ट्रायल देगी एशिया चैंपियनशिप के लिए, जो ट्रायल है लखनऊ में 16 तारीख को। अच्छा, आकाश ये 60 किलो ग्रीको रोमन में 18 तारीख को इनकी ट्रायल है दिल्ली अंडर 17 की एशिया चैंपियनशिप के लिए। ये अभिषेक है, अभिषेक 71 किलोग्राम में ग्रीको रोमन में अपनी ट्रायल देगा अंडर 17 एशिया चैंपियनशिप के लिए। तो हमारे तीन बच्चे हैं जो अंडर एशिया चैंपियनशिप में ट्रायल देंगे। और अंडर 15 का जो अभी नेशनल होगा रांची में, उसमें हमारे तीन बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें एक आकाश भी 62 किलोग्राम ग्रीको रोमन में, और एक लड़की है हमारी 42 किलोग्राम में, और एक लड़की है हमारी 58 किलोग्राम में, जो नेशनल में पार्टिसिपेट करेंगे वहाँ पे रांची में झारखंड में 27 से 29 मई। अब है दस्ती खींच के हम बीच में पैर आ जाए कई बार हमारा दस्ती खींचने के बाद, वहाँ से टेक डाउन करेंगे। ये है हमने दस्ती खींची, वहाँ से साथ साथ में खींचना। इसमें क्या है, एक तो हमने अपने बॉडी का बैलेंस देखना, पहली बात तो दस्ती खींची, दस्ती दोनों हाथों द्वारा अपर बॉडी का पुल करते ही पैर ना के ले जाऊँ। अब पीछे ना बैलेंस नहीं रहना चाहिए हमारा, हमारा रहना चाहिए आगे की तरफ ना बैलेंस। ये है ये साथ में टेक डाउन, और वहाँ से फाल भी कर सकते हो आप इसको। अब आ गया दस्ती खींच कर धोबी, ये है लड़ रहे हैं हम। ठीक है, दस्ती खींचते ही अंदर घुस जाना हमें, दोबारा फिर देख लो, रिस्ट होल्ड लिया, यहां से पुल करते ही हम इसके बीच में रख लेंगे अपने दोनों पैरों ने। ठीक है, और ये होल्ड लेकर रखना है, ये चलेगा। अब खड़े करते करते इसको लिफ्ट कर लेना है, और अपना कंधा बीच में होना चाहिए, साइड में नहीं होना चाहिए, कंधा बीच में, यहां से लिफ्ट करते हिप टेक नहीं रखने, हिप्स उठा कर रखने ये, और वहीं से ये था दस्ती खींच कर धोबिल दाव। अब हम आपको बताएंगे दस्ती खींच कर थ्रो, ब्रिंको में बहुत ज्यादा चांस है इसके लगने के, और लगती भी है। ये है हम दस्ती खींच कर साइड मार, अब यहां से थ्रो करना है बैक थ्रो, साथ में उसको ऊपर आ जाना है। एक बार फिर देख लो आप, ये है हम इस साइड आ जाए, रिस्ट होल्ड लिया, होल्ड हुआ है आगे लगभग, आर्म पर लेके दूसरा हाथ, पुल करते ही पीछे आ जाए उसके साथ साथ में। अब यहां से जैसे हम नीचे बैठाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, चल ऊपर उठने की कोशिश, यहां से इसी की ताकत में, ठीक है उसी की ताकत में हमने लिफ्ट कर लेना है उसको। ये था दस्ती खींचकर थ्रो।